हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, दोहा छंद की परिभाषा, उदाहरण और इसके लक्षण को हम लोग देखेंगे। ठीक है, लक्षण मतलब कि जो मात्राएं होती हैं उनको भी दिखाएंगे। तो दोहा छंद की परिभाषा मैं बिल्कुल आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। अगर वो ट्रिक को आप जान जाते हो तो ज़िंदगी भर आप दोहे छंद को नहीं भूल सकते हो। ठीक है, तो देखो पहले हम इसके डेफिनेशन को, परिभाषा को देख लेंगे, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊँगा तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये देख लो कि दोहा छंद जो होता है ये अर्धसममात्रिक छंद है, यानी अर्धसममात्रिक का छंद मतलब कि आधा जो होता है वो विषम होता है और आधा क्या होता है, सम होता है। ठीक है, तो यह अर्धसममात्रिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं। इसमें चार चरण होते हैं, पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। अब देखो इसको ट्रिक के साथ समझेंगे ना, पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है जो कि मेरे द्वारा बनाई गई ट्रिक है, और इस ट्रिक को देखो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को आपको भूलने से कभी नहीं भूलने देगी। ये इसकी ट्रिक है, इस ट्रिक को अगर आप लर्न कर ले तो याद रखते हो तो आप ज़िंदगी भर दोहा छंद को नहीं भूल पाओगे। क्यों, ये दो का मतलब है दोहा, ती का मतलब है 13-13, फिर इसकी 11-11। ठीक है, आपने इसमें पढ़ा कि पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्रा है, यानी कि पहले कौन सी मात्रा होती है, 13-13। कभी कभी दोहा और सोठा में लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि 11-11 है पहले कि 13-13 है पहले। तो इसमें पहले क्या है, 13-13 मात्राएँ होती, पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती, कि इसमें छंद में, दोहा छंद में। और ये दो का मतलब अगर आप इस तरह से इक्वल करोगे तो दो का मतलब दो, ती का मतलब 13, ठीक है, दो और ये गे का मतलब 11। ठीक है, 11 को अगर आप जोड़ते हो तो मिलकर क्या हो जाता है, 13। तो पहले चरण में क्या होती है, 13, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दो और 11 को जोड़ेंगे तो बीच वाला 13 आपका आ जाएगा। तो इस ट्रिक से आप समझिएगा क्या कि दोहा छंद में पहले 13-13 फिर 11-11 मात्राएं होती, यही चीज़ है। यह अर्धसममात्रिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं, पहले हम तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब देखो इसका जो लक्षण है, यानी कि जो इसका आप उदाहरण है वो ये है, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नतियों को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये को सूल। बहुत गजब की डेफिनेशन। अब देखो ये चीज़ें अगर आप कर छोड़ देते हो बोर्ड एग्जाम में तो आपके कुछ मार्क्स कट जाते हैं। तो इस पूरे मार्क्स को पाने के लिए आपको कुछ ट्रिक लगाना होगा इसमें। ठीक है, ट्रिक का मतलब इसके जो ये आपका मात्राएं उनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसके तो देखो यहाँ से मात्राएं देखो ये क्या है, ये छोटा मात्रा है। ठीक है, छोटा ई की मात्रा, तो इसके लिए एक, यहाँ पे दो चीज़ों को आप समझ लीजिएगा, इसका मतलब एक होता है और इस यस का मतलब दो होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से समझिएगा कि छोटी मात्रा के लिए इसका प्रयोग करेंगे और बड़ी मात्रा के लिए इस तरह से जब इधर की मात्राएं होंगी तो इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए और चीज़ें आप समझ जाएंगे इसी के साथ। तो यहाँ पे निज पे किधर की मात्रा है, छोटी मात्रा, तो एक दिखाएंगे, और इसके बाद ज है तो ज के लिए भी अ का मात्रा है, एक दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आ की मात्रा, भा, तो भाग में आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए इस यस का प्रयोग करेंगे, यस का मतलब यहाँ पे दो है। फिर सा है तो सा भी आ का मात्रा, इसके लिए इसका प्रयोग करेंगे, इसका मतलब दो है। अब देखो यहाँ पे ऊ है तो ऊ अ का मात्रा है, तो इसके लिए एक, यहाँ पे आधा न फिर पूरा न है, तो जहाँ पे आधा न और पूरा न होता वहाँ पे इसका प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब दो। अब देखो यहाँ पे ती, ठीक है, इधर की मात्रा है, छोटी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ अ है तो अ के लिए एक का प्रयोग, है का मतलब कि अय का मात्रा, अय की मात्रा के लिए इस दो चुंडी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दो चुंडी के लिए यस का प्रयोग कर दिया, यानी दो का। फिर सब है तो एक, इसका भी एक हो जाएगा। ऊ है तो ऊ का एक, और आधा न न है, इसका दो होगा, और इधर की मात्रा है तो इसका एक होगा। अब यहाँ पे को है, ठीक है, को यानी कि ओ का मात्रा है, ओ की मात्रा को हम देखो यहाँ पे दिखा देते, ओ की मात्रा को इससे दिखाते हैं यानी दो से, तो यहाँ पे दो हो जाएगा। अब देखो ये मूल है, ठीक है, ये बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ के लिए भी दो का प्रयोग करते हैं, और अ का मात्रा यहाँ पे ल है तो ल के लिए
एक का प्रयोग करते हैं। अब देखो चीजें इसमें हमने पहली, ये पहली चरण इसका और ये दूसरा चरण है, ठीक है। पहले एवं तीसरे चरण में 13 तरह, यानी कि पहले में आपको 13 मात्रा होनी चाहिए। अब इसको भी हम दिखा देते हैं। बिन इधर का है तो एक का प्रयोग करेंगे, इधर का है तो एक का प्रयोग किया, न है तो न के लिए भी एक का, निज भी इधर का है तो एक का प्रयोग करेंगे, ज इधर का एक का, भा भी है तो इसके लिए 2 और इसके लिए भी 2, ज्ञान है तो इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 1। अब के का मात्रा है, ठीक है। अब देखो के लिए हम क्या करते हैं कि 2 का ही यूज करते हैं, के और कै के लिए। फिर इसके बाद मीठे इधर का है तो इसके लिए 1 करेंगे छोटी के लिए। अब ऐ का मात्रा है तो ऐ के मात्रा के लिए भी 2 का प्रयोग करेंगे। फिर न है, फिर ये इधर का 1, फिर इसका 1 कर देंगे। अब ये को का मात्रा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने को के लिए क्या किया, 2, इसके लिए भी 2। अब यहाँ मूल है, यहाँ पे सूल है, तो इधर की मात्रा बड़ा उका, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे और यहाँ पे 1। अब देखो चीज़ें, हर एक चीज़ स्पष्ट हो गई है। पहले एवं तीसरे चरण में 13 13 मात्रा, पहला चरण ये है मेरा, 13 मात्रा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्रा है, इसको 2 गिनेंगे और इसको 1, 13। और फिर बोल रहा है कि तीसरे चरण में, तीसरा चरण ये पहला चरण हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ ये दूसरा और ये तीसरा, तीसरे में भी 13 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 13 मात्रा होगी। अब बोला कि दूसरे और चौथे में 11 11, ये दूसरा है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, और चौथे में भी 11 है। चौथा आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये कावा के बाद ये है चौथा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ पे 11 मात्राएं पूरी तरह से हो गया है, तो यहाँ से 11 मात्राएं आपका हो गया, सॉरी यहाँ पे मैंने ये 13 मात्राएं हो जा रही, ठीक है। ही है तो यहाँ पे एक ही लगाएंगे, ये अ का मात्रा है, तब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मात्राएं हो गई। तो इस तरह से आप दोहा संधि की परिभाषा, उदाहरण और ये इसकी ये लक्षण होते, लक्षण को लिख लेंगे कि निज भाषा उन्नति है सुबनतियों का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है को सूल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन के आल पर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।